संभल सदर कोतवाली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। वाहन चोरी करने वाले तीन अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके पास से तीन अवैध तमंचे और 10 मोटरसाइकिलें संभल सदर कोतवाली पुलिस ने की बरामद। तीनों के पास से 10 मोटरसाइकिल और 3 अवैध तमंचे बरामद करने के बाद तीनों को जेल भेजने की तैयारी है। संभल सदर कोतवाली क्षेत्र के अलग अलग जगह के रहने वाले तीनों आरोपी, जिनके पास से 3 अवैध तमंचे और 10 मोटरसाइकिलें संभल सदर कोतवाली पुलिस ने की बरामद और जेल भेजने की तैयारी। तीनों संभल सदर कोतवाली क्षेत्र के अलग अलग क्षेत्र के मामले, आइए जानते हैं एएसपी से। कोतवाली संभल पुलिस द्वारा कल रात की चेकिंग के दौरान वाहन चोरों के गैंग को गिरफ्तार किया गया है। यह गिरफ्तारी बुलबुली मस्जिद शमशान घाट गेट के पास से हुई है। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से उनकी निशानदेही से 10 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम कामिल पुत्र नासिर निवासी मोहल्ला फतेहउल्ला कोतवाली संभल एवं अनीश पुत्र रहीश निवासी चौधरी सराय कोतवाली संभल तथा मोहम्मद समीर पुत्र मोहम्मद सलीम निवासी कोतवाली संभल क्षेत्र हैं। इन अभियुक्तों के अन्य साथियों की भी तलाश की जा रही है, जिससे इस गैंग के अन्य सदस्यों के बारे में भी पता चल सके कि इनके और कौन कौन साथी इस कृत्य में संलिप्त रहे हैं। शीघ्र ही उनका भी पता लगाते हुए कठोर विधि कार्रवाई शुरू की जाएगी।